गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं ओशिम और आप सबका और एक नए डे पे स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बेठिकाना में। तो फिलहाल देखिए कहां जा रहे। तो गाइस अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं और नीलेश भाई निकल गए इस धर्मशाला, है ना, पाल धर्मशाला करते हैं। अच्छा, ये पाल धर्मशाला में हम लोग था और अभी निकल रहे और फिलहाल हम लोग तो खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। और बस फिलहाल मैं और नीलेश भाई छोला भटूरा खाने के लिए आ गया, तो बस छोला भटूरा खा के निकल जाऊंगा। तो प्रणाम पुजारी जी, तो अभी हम लोग मतलब जानेंगे, मैं और आप सब मिलकर जानेंगे कि ये जो नीम सागर है उसका खासियत क्या है और एक्चुअली ये नीम सागर क्यों नाम रखा गया है और इस नीम सागर का मतलब बहुत कुछ है देखने के लिए। धाम है एक्चुअली, लोग कहता है धाम ही है ये, धाम है हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है और क्या है क्यों है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो अभी मतलब पुजारी जी बताएगा, तो पुजारी जी आप बताइए। बोलिए ने, ये माइक आप पकड़ लीजिए आप। बोली नैमिषारण्य धाम की जय। ये नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ तीर्थ क्षेत्र है। इस सबसे पृथ्वी का जो सबसे पहला तीर्थ हुआ वो नैमिषारण्य हुआ। पद्म पुराण के अनुसार आता है कि सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चपुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना करने के पश्चात समय का विभाजन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में अलग अलग तीर्थों का निर्माण हुआ। सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग में नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति हुई। त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता में पुष्कर तीर्थ की। द्वापरे कुरुक्षेत्रे, द्वापर में कुरुक्षेत्र की। और कलहु गंगा प्रवर्तते, कलिकाल में गंगा जी का प्रवर्तमान हुआ भगीरथ जी के माध्यम से। 88,000 ऋषियों ने हम सबके आज जो पितृ हुए जिनको हम लोग 88,000 ऋषियों की संज्ञा देते हैं, उन लोगों ने आपस में एक संगोष्ठी की और विचार विमर्श किया। भगवान ब्रह्मा से आग्रह किया कि हे भगवान ब्रह्मा, आप सृष्टि की रचनाकार हैं, हमको कोई ऐसा दिव्य स्थान बताएं, ऐसा कोई दिव्य तपस्थल बताएं जहां पर बैठकर हम तपस्या इत्यादि कर्म करें और जो भूमि में इतना गुरुत्वाकर्षण हो, इतनी उसमें ऊर्जा हो जो हमारे मन को स्वतः केंद्रित कर सके। जब तक हमारा मन पूर्णतः स्वतः केंद्रित नहीं होगा तब तक हम कोई भी जब तप पूजा कोई भी अनुष्ठान करेंगे उसकी सिद्धता पूर्ण रूप से हमको प्राप्त नहीं होगी। जिस केंद्र तक जाने का हमारा विचार है उस केंद्र तक जाने का हमको उस भूमि से सामर्थ्य नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारा जो विचार है वो केंद्र तक नहीं जाएगा, इसलिए हमको कोई ऐसा तपस्थान बताएं। भगवान ब्रह्मा ने उनकी आग्रह को सुनकर भगवान विष्णु का आवाहन किया और भगवान विष्णु से कहा ऋषियों को कोई ऐसा तपस्थान बताओ। भगवान विष्णु ने एक चक्र का सृजन किया और उस चक्र को छोड़ा कि ये चक्र जहाँ पर गिर जाएगा वो एक तपस्थली होगी, वहीं पर बैठकर ऋषि लोग तपस्या करेंगे। वो चक्र पूरे पृथ्वी मंडल का भ्रमण करता है। जम्बूकारण्य, उत्पलारण्य, सिंधुकारण्य, दंडकारण्य, अभयारण्य, कुरुवारण्य, इसी प्रकार से 9 आरण्य है इस पृथ्वी पर। समस्त आरण्यों में भ्रमण करता हुआ ये चक्र इस कुरु नामक आरण्य में शीर्ण होता है। शीर्ण होने से उसने पातालों का वेदन प्रारंभ किया, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल, महातल। जब रसातल को भी वेदन कर दिया तब उन्होंने कहा कि अगर ये महातल तोड़ देगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पुनः भगवान ब्रह्मा का आग्रह किया, भगवान ब्रह्मा ने कहा ये शक्ति है, आप लोग आदि शक्ति का आवाहन करें। आदि शक्ति का ललिता का आवाहन होता है। आज शक्ति माँ ललिता देवी जी ने इस चक्र को 6.5 पाताल पर रोक दिया है। ये चक्र का जल जो है वो नेचुरल है,
अपने आप 24 आवर्स फ्लो इन गो गोमती रिवर, यहाँ से बराबर 2400 घंटे 12 मास पानी अपने आप आता है और निकलकर गोमती नदी का 4 इंच पानी हमेशा यहाँ से जाया करता है। ये मानव सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। भगवान राम की जन्मभूमि मथुरा अयोध्या, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, मगर मानव और मनुष्य की जन्मभूमि नैमिषारण्य, क्योंकि इसी पृथ्वी पर प्रथम पुरुष हुए मनु और प्रथम स्त्री हुई सतरूपा, यही से मानव सृष्टि का सृजन हुआ। हम लोगों के जो 4 वेद हैं वो नैमिषारण्य से ही लिखित हुए, यहीं पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का विभाजन हुआ। आप सब पर भगवान नारायण की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी नैमिषारण्य तीर्थ से आप सबको शुभकामनाएं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। मैं नैमिषारण्य से पुजारी शशि पांडे, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसका सबसे पहला जो वाचन हुआ सुखदेव जी को, वो इसी नैमिषारण्य भूमि पर वेदव्यास जी ने उनको ज्ञान दिया। अच्छा। भागवत का, श्रीमद् भागवत गीता का यहीं पर सबसे पहले उनको ज्ञान दिया। यहीं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। तो ये नैमिषारण्य ज्ञान भूमि है, मोक्ष भूमि है और हमारी पितृभूमि है।